नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी सूचना होती है आपसी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम व्यक्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे बिन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना संक्रमण के चलते देश के अंदर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी परीक्षाएं जिनको स्थगित किया जा चुका है, अब ऐसे में इंतजार किया जाए इन परीक्षाओं के आयोजन के बारे में। लगातार सरकारों के माध्यम से, राज्य सरकारों के साथ में या फिर परीक्षा संस्थाओं के साथ में जानकारी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कोविड 19 के संक्रमण से बचते हुए जो परीक्षाओं के वो आयोजन है वो कैसे करवाए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और कब से आपकी जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। उसी को लेकर अगर बात करें, परीक्षाओं को लेकर एक हाई लेवल की बैठक देखने के लिए मिली है जो कि फिलहाल समाप्त होगी, जहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें लाइक करके अवश्य जाया करें। सबसे पहले जानकारी देने का कार्य आप सभी के बीच किया जाता है, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। चूँकि कोरोना संक्रमण के चलते लगभग सभी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, अगर एक भी परीक्षा को यहां से मंजूरी मिलती है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा क्यों ना हो, उसके बाद में और भी तमाम परीक्षाओं के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। उसी क्रम में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की अगर बात की रद्द नहीं हुई है, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 जून को जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा और भी तमाम प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं, उनको लेकर भी जो आपको फैसला है वो देखने के लिए मिलने वाला है। उसी क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही अगर बात करें अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ में मिलकर तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ में, शिक्षा सचिवों के साथ में जो कहीं की बैठक है वो देखने के लिए मिली है, जहां पे 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के महामारी के बीच में आयोजन को लेकर आज 23 मई 2021 को वर्चुअल मीटिंग के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो सीबीएसई की जो 12वीं परीक्षा उनका आयोजन किया जाएगा। हालांकि परीक्षा के फॉर्मेट में जो बदलाव है वो देखने के लिए मिल सकता है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा अगर बात करें परीक्षाओं को लेकर तारीखों की जो घोषणा है एग्जाम पैटर्न के लिए 1 जून 2021 को की जाएगी। इसी प्रकार अगर बात करें तमाम प्रवेश परीक्षाओं के बारे में, चाहे वो जेई मेन हो या फिर नीट आदि तमाम जो परीक्षा होने वाली हैं, प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 राज्यों के अगर बात करें 25 मई तक का जो समय है वो दिया गया है सुझाव देने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर इसका जो फैसला है वो लिया जा सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विस्तृत सुझाव साझा करने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अनुरूप अगर बात करें बैठक काफ़ी सकारात्मक रही है। तो यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि सीबीएसई की परीक्षाओं या फिर जेई या फिर जेई नीट अगर बात करें या फिर और भी तमाम जो परीक्षाएं होने वाली हैं, प्रवेश परीक्षाएं या फिर जो उत्तर प्रदेश के अंदर होंगी या फिर अलग अलग राज्यों के अंदर होंगी, उन सभी का जो रास्ता है वो खुल सकता है 1 जून को, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से भी यहाँ पर रोक लगा दी गई थी 15 मई तक। अब ऐसे में 1 तारीख को नई तारीखों की जो घोषणा है वो देखने के लिए मिलेगी। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जून के अंतिम सप्ताह के अंदर आप सभी के सामने जो परीक्षाएं वो करवाई जा सकती हैं। हालांकि इसको लेकर एक बार फिर से 1 जून को यहाँ पे समीक्षा बैठक देखने के लिए मिलेगी। अगर कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जाता है, जिस प्रकार मामले कम हो रहे हैं ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, तो जून के अंतिम सप्ताह में आपकी जो परीक्षाओं के आयोजन है वो देखने के लिए मिलेंगे और तमाम जो अलग अलग परीक्षाएं होने वाली हैं उसको लेकर जानकारियां देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे में ये तो बात रही थी परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक के बारे में, लेकिन वही दूसरी तरफ बात की यूपी के अंदर डीएलएड छात्रों के माध्यम से धमाका किया गया है। अगर आपको याद होगा नई शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों के माध्यम से लगातार ट्विटर वार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े कहीं ना कहीं लाखों की संख्या के अंदर ट्वीट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर हजारों की संख्या के अंदर आपको जो ट्विटर वार है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में यूपी डीएलएड छात्रों के माध्यम से भी आज की तारीख में धमाका किया गया है, क्योंकि हजारों की संख्या के अंदर लाखों की संख्या में आपको ट्वीट तो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन किसी एक परीक्षा के लिए इतने ज़्यादा ट्वीट हो जाएं वो एक बहुत बड़ी बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। सुबह से ही मुद्दा पहले नंबर पर ट्रेंडिंग में देखने के लिए मिला है। प्रमोट अगर बात करें यूपी डीएलएड 2019 के छात्रों के माध्यम से 3.5 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट हैं वो देखने के लिए मिले हैं। ये लगभग 1.5 घंटे पहले का मैंने रिकॉर्ड किया था, उससे पहले अगर हम देखें, और लगातार ये मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि
वैक्सीन को भी यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाए। पिछली बार कोरोना संक्रमण के चलते कई बार जो फैसले वो लिए गए थे, अब ऐसे में यूपी डीएलएड 2019 के छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि यहाँ पे इनको भी जो प्रमोट है वो किया जाए। अभी तक सरकार के माध्यम से इसको लेकर कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन ट्विटर पर इनके माध्यम से 3.5 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि सरकार इनके बारे में जल्दी कुछ जानकारी देखने के लिए मिलेगी या फिर कोई ना कोई घोषणा देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रमोट के बारे में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। जो ट्विटर पर छात्रों के माध्यम से धमाका किया गया था प्रमोट को लेकर, वो तो सफलतापूर्वक आपको देखने के लिए मिला है, लेकिन जंग अभी भी छात्रों की जारी है जब तक प्रमोट नहीं हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह से ही आपको जो विवाद है वो देखने के लिए मिल रहा है। कल से अगर हम बात करें, ये विवाद शुरू हुआ था, आप सभी को पता होगा, जहाँ पे जानकारी मिली कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जो भाई का चयन हुआ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मच गया, काफ़ी लोगों के माध्यम से ट्वीट किए गए, जैसा कि मैंने आपको विगत वीडियोस के माध्यम से दिखाया, जिसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आपदा को अवसर में बदलाव कर दिया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं EWS के सर्टिफिकेट की भी जांच करने की मांग की जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जिनका चयन हुआ है वो पहले से कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में थे या फिर जो नौकरी में थे और उनकी वाइफ तो सरकारी नौकरी में थी, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसा होने पर EWS का सर्टिफिकेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जाँच की जो मांग है वो की जा रही है, लेकिन इसी बीच 69,000 को लेकर हम कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक ऑडियो भी वायरल हो गया है, इसको लेकर जानकारी मिली है कि उनसे कहीं ना कहीं जानकारी लेने का प्रयास किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। हालांकि जानकारी किसके संबंध में थी, थर्ड काउंसलिंग संशोधन या फिर 22 सीटें, ये तो पूरा नहीं होने दिया। उससे पहले मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है, जो कि आप सभी ऑडियो के माध्यम से पहले सुन सकते हैं। लेकिन ऑडियो सुनाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भारत समाचार के माध्यम से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा भारत समाचार का कहना है। समस्या बताने के लिए अभ्यर्थियों ने फ़ोन किया था, मंत्री जी ने जैसी भर्ती का नाम सुना वैसे ही नाराज हो गए, समाधान नहीं नंबर बंद करने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली मंत्री जी के माध्यम से। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि मंत्री जी ने गरीब अभ्यर्थी को बदतमीज़ कहा, साथ में डांटा भी, व्हाट्सएप बंद किया है, अब नंबर भी बंद करूँगा, ऐसा मंत्री जी के माध्यम से कहा गया। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश दुबे जी यहाँ पे नाराज़ हो गए हैं। अब ऐसे में आप लोग सुनी लो ऑडियो के माध्यम से, है ना। और इसी के साथ वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन सर? मैं 69,000 शिक्षक भर्ती हूँ सर, पीड़ित अभ्यर्थी हूँ सर। तो व्हाट्सएप तो हमने बंद कर दिया है, आप क्या चाहते हो, ये नंबर भी बंद कर दूं? तुम लोगों को दिमाग खराब हो गया, इतने बदतमीज हो, ये नहीं सोचते हो कि कोई आदमी दिन भर कैसे फोन उठा सकता है, मैसेज कर सकता है? चुनाव आचार संहिता चल रही है, कोविड की स्थिति इतनी खराब है, 69,000 रटे हुए हो। व्हाट्सएप मैंने अभी बंद कर दिया तुम लोगों के नाते, और ये नंबर भी बंद कर दूंगा। अब सर हम बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं सर।